तो ये हमारा लेक्चर नंबर 24 है। तो इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज दिस इज़ अ थ्री डिमेंशनल केस। तो इसमें हमारे पास दो से तीन केसेस होंगे, तो एक केस हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बाकी केसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट वन है और वो लेक्चर नंबर 25 के अंदर हम इसका दूसरा केस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट केस वो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द चार्ज स्फीयर। तो सबसे पहले हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स सपोज वी हैव इस चार्ज स्फीयर, ठीक है। तो एक स्फीयर है हमारे पास है चार्ज्ड स्फीयर, यानी ये सारा चार्ज इसके ऊपर ना इस स्फीयर के ऊपर क्या हुआ हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, ठीक है। ये माइनस माइनस नहीं बना रहा मैं, ये बस ये ओवरलैप कर रहा हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। अब क्या करना है, ये कह ले कि ये जो स्फीयर है ना, इसका जो रेडियस है हम लेट कर लेते हैं वो कैपिटल आर। वो क्या है, कैपिटल आर। अब हम क्या करते हैं, इसमें लेट कर लेते हैं जो हमारे पास जो स्फीयर है इस, अब चूंकि ये वॉल्यूम है तो इसको हम छोटे छोटे वॉल्यूम पैचेस में हम डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम एलिमेंट, तो वो क्या होगा हमारे पास डीवी। सिमिलरली इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर कितना चार्ज होगा उसको हम कह लेंगे चार्ज एलिमेंट। तो वो कितना होगा dq। अब चूंकि ये क्या है, एक थ्री डिमेंशनल केस है, तो इसमें हम जो हमारे पास चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम जाहिर करते हैं रो से, वो बराबर होता है dq ओवर dv। तो हमारे पास आ जाता है इधर से, अगर हम डी क्यू की अगर वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा रो इंटू डी वी। अब ये तो था फॉर दैट चार्ज वॉल्यूम एलिमेंट जो हमने लिया था, फॉर होल चार्ज सरफेस या स्फीयर के लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों तरफ इंटीग्रल ले लेंगे। तो क्यू बराबर आ जाएगा रो, क्योंकि कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ डी वी। तो डी वी का इंटीग्रल असल में क्या है, पूरे स्फीयर का, इस चार्ज स्फीयर का क्या है, वॉल्यूम होगा। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr³। अब रेडियस उसमें चार्ज स्फीयर में रेडियस कैपिटल आर है, दैट्स वाई मैंने इधर भी कैपिटल आर ही लिया है और ये क्यू आ गया हमारा, ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं एक गाजियन सरफेस, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। तो ये हमारे पास है गाजियन स्फीयर होगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है आउटसाइड ऑफ द चार्ज स्फीयर, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने फाइंड करना है और इस गाजियन स्फीयर का जो रेडियस होगा ना वो होगा स्मॉल आर। अच्छा, और इधर हम लेट कर लेते हैं केस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आउटवर्ड होगी, ठीक है। और इसमें हम सपोज कर लेते हैं एक हम इस सरफेस, इस स्फीयर की सरफेस का एक हम एरिया एलिमेंट ले लेते हैं और उसका उसकी डायरेक्शन भी क्या है, आउटवर्ड होगी, विच मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इस वेक्टर एरिया के दरमियान जो एंगल होगा वो हमारा होगा 0°, ठीक है। नाउ अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास बराबर होता है फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ EdA कॉज ऑफ, अब इधर कॉज की वैल्यू थीटा हमारे पास ज़ीरो है क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो हमारे पास कॉज 0° आ जाएगा। तो कॉज 0° इज इक्वल्स टू 1 होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चारों तरफ कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के, तो आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रल ऑफ डी ए और कॉस 0 1 होता है। अब ये क्या है, ये डी ए ये बराबर होगा हमारे पास ई ए,
यानी ये एरिया होगा इस गाजियन स्फीयर का, ठीक है। तो गाजियन स्फीयर का जो एरिया होगा या हाली जो स्फीयर का एरिया होता है वो क्या होता है, ई वैसे का वैसे ही 4 पाई जो उसका रेडियस है उसका स्क्वायर। तो इस गाजियन सरफेस का रेडियस कितना था भाई, 8। या इसको ऐसे कह लें कि हमने एक पॉइंट पी ले लिया, इधर इधर करके हमने एक पॉइंट पी ले लिया और उस पॉइंट पी पर हमने फ्लक्स फाइंड किया और वो फ्लक्स हमारे पास टोटल सरफेस के लिए अब कितना आ गया, वो ये आ गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, ये आपने बस ध्यान रखना है, ये रेडियस का आपने ध्यान रखना है। कुछ स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन इसी में पैदा कर देते हैं, अपने लिए परेशानी खड़ी कर लेते हैं। तो आपने जो रेडियस इसके लिए लेना है तो इधर भी आपने रेडियस वो लग सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। मैं इसको स्मॉल आर ले सकता है, इसको मैं कैपिटल आर भी ले सकता था, कोई इतना इशू वाली बात नहीं है। लेकिन आपने जो उधर आपने फिगर में आपने यूज़ करना है वो आपने ध्यान से इधर यूज़ करना। ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हमें पता है गाज़ीज़ लॉ को हम इस्तेमाल करेंगे, बाय गाज़ीज़ लॉ। तो गाज़ीज़ लॉ हमें क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें हमारे पास क्यू की वैल्यू ये है और एप्सिलॉन ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो ये है। इसमें हम बस प्लग इन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। क्यू किसके बराबर है भाई, रो इंटू 4/3 πr कैपिटल आर का क्यूब ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो आ जाएगा हमारे पास ई इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारे पास रो 4 πr का क्यूब नीचे 3 εप्सिलॉन और ये वाली वैल्यू इधर आके सारी मल्टीप्लाई होगी 4 πr का स्क्वायर। अब ये 4 πr 4 πr से कट गया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया रो आर क्यूब ओवर 3 εप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। सो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइज द चार्ज स्फीयर। तो इसका नेक्स्ट केस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो सही लगी अच्छी लगी है तो लाइक करें और मिलते हैं हमें नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो हमारा लेक्चर नंबर 25 है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हमने स्टार्ट किया था उसका, हमने फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। इस लेक्चर में ये उसका पार्ट टू है, हम डिस्कस करेंगे इनसाइड द चार्ज स्फीयर। तो स्टार्ट करते हैं, तो आ जाता है हमारे पास, हम लेट कर लेते हैं इसमें हमारे पास एक स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है और इसमें चार्ज कह लेंगे इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक हो गया। अब ये चार्ज मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव है, हमने लेट कर लिया। अब इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी वो आउटवर्ड होंगी, इसके लिए ये, इसके लिए आउटवर्ड 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 अप टू सो ऑन, ये क्या होगी आउटवर्ड होगी, ठीक है। ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें जो रेडियस है इस स्फीयर का वो कितना है, सेम उसी तरह ये चार्ज स्फीयर है, ये याद रखना हमने, ये क्या है चार्ज्ड स्फीयर। तो इसका रेडियस कितना है r, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को छोटे छोटे वॉल्यूम में हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जो वॉल्यूम एलिमेंट है
वॉल्यूम एलिमेंट दैट विल बी डीवी, और चार्ज एलिमेंट दैट विल बी डी क्यू। तो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि थ्री डिमेंशनल है तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वो क्या थी हमारे पास, रो विच इज इक्वल्स टू डी क्यू ओवर डी वी। तो इसमें हम वैल्यू हम निकालेंगे डी क्यू की, तो डी क्यू आ जाएगा हमारे पास रो डी वी, दोनों तरफ इंटीग्रल ले लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास क्यू इज इक्वल्स टू रो। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने पढ़ा था कितना, इसमें रेडियस कैपिटल आर है, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास 4/3 πr³ कैपिटल आर। नाउ अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट पी ले लेते हैं, कोई भी इधर एक पॉइंट पी ले लेते हैं, इधर एक पॉइंट पी ले लेते हैं, यहाँ पे कोई चार्ज है, वो चार्ज कह ले कि हमारे पास क्यू नॉट है। तो सिमिलरली इसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम उस चार्ज को भी निकालेंगे, अब वो क्यों निकाला वो भी पता चल जाएगा। तो हमारे पास सिमिलरली एट पॉइंट पी हमारे पास क्या आ गया, जो क्यू नॉट है, ठीक है। अब वो कह लेके वो जो पॉइंट पी है ना, या फिर इसको समझने के लिए आप ऐसे कर लें कि हम एक गाजियन सरफेस हमने ज़ूम कर लेनी है, ये ज़रा देख लें, ये हमारे पास गाजियन सरफेस है, इधर हम कोई पॉइंट पी ले लेते हैं, और वो पॉइंट पी क्या है, एट रेडियस आर है, स्मॉल आर, ये हमारा पॉइंट पी, ये आपने ज़रा जहन में रख लेना। तो इधर इस स्फीयर के लिए हमने चार्ज की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारे पास आएगा क्यू डैश, तो इधर इसकी वैल्यू आएगी, अब रेडियस कितना है, स्मॉल आर, तो ये आ जाएगा रो 4/3 πr³, ठीक है। अब हमने निकालनी है वैल्यू, तो क्या करते हैं, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या करना है हमने, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो क्यू बाय क्यू डैश आ जाएगा हमारे पास की वैल्यू आ जाएगी रो 4/3 πR³ का क्यूब ओवर रो 4/3 πr² का क्यूब। तो इसमें ये सारे फैक्टर आर को छोड़ के बस कट रहे हैं, तो इधर आ जाएगा क्यू ओवर क्यू नॉट, ये आ जाएगा हमारे पास कैपिटल आर का क्यूब ओवर स्मॉल आर का क्यूब। इधर से हमने निकालनी है किसकी वैल्यू, क्यू नॉट की, तो वो आ जाएगा हमारे पास क्यू नॉट, वो कितना क्यू डैश हमारे पास आ जाएगा कितना, क्यू नॉट इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब ओवर आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब। तो ये हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या किया, जो हमने गाजियन सरफेस हमने ली थी, इधर गाजियन स्फीयर जो हमने लिया था उसमें कोई एक एरिया एलिमेंट ले लेते हैं उसकी सरफेस में से, उसकी डायरेक्शन क्या है, वो भी आउटवर्ड है, ठीक है। ये डी ए की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आउटवर्ड है, तो वो एंगल हमारे पास 0°। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम फाइंड करते हैं नाउ, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने फाइंड किया, तो वो आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रल ऑफ डी ए कॉज 0°, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, वेक्टर एरिया भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो ये आ जाएगा हमारे पास ई ए, क्योंकि इंटीग्रल डी ए वो होगा टोटल एरिया ऑफ गाजियन स्फीयर, तो वो एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास, ये फ्लक्स आ जाएगा, एरिया कितना होगा इसका 4π, अब इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। लास्ट स्टेप जो हमारा होता है वो क्या है, बाय गॉज़ेस लॉ। तो गॉज़ेस लॉ क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाता है हमारे पास, अब इसमें अब चूंकि ये गाजियन सरफेस के लिए, तो इसमें हमारे पास क्यू डैश हम लेंगे, तो क्यू डैश की वैल्यू हमारे पास ये है और फ्लक्स की वैल्यू ये है, इसमें प्लग इन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास
ई इंटू फोर पाई आर स्क्वेयर विच इज़ इक्वल्स टू क्यू आर क्यूब ओवर आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट, ये ऐसे का वैसे। अब इसमें हमने क्यू की क्यू डैश, हाँ ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, ये स्क्वेयर इससे कट गया एक ही बच जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू क्यू ओवर क्यू इंटू आर, नीचे आ जाएगा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का क्यूब। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है, ठीक है। ये आंसर तब था जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी इनसाइड द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इनसाइड द चार्ज स्फीयर। अब हमारे पास थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस इधर ही मैं बता देता हूँ, जो हमारे पास थर्ड केस होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ चार्ज्ड स्फीयर। तो हमने इसकी सरफेस के ऊपर फाइंड करना है, यानी ये जो सरफेस है इसके ऊपर फाइंड करना है। तो उसमें ये सीन होगा कि जो हमारा रेडियस होगा ना, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास रेडियस होगा ना वो बराबर हो जाएगा आर के, क्योंकि हमारे पास चार्ज स्फीयर उसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, ठीक है। तो इसी से हम लेंगे वैल्यू इनसाइड एज इनसाइड द स्फीयर, वो हमारी वैसे वैल्यू क्या थी, इज इक्वल्स टू क्यू ओवर आर ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। अब इसमें जब हम पुट करेंगे आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, तो ये कैपिटल आर हो जाएगा, तो क्यू आर ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब ये इससे कट जाएगा तो नीचे बचेगा, ऊपर ख़त्म हो जाएगा, तो नीचे हमारे पास बचेगा आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर होगा फाइनल, कब, जब क्या होगा, एट सरफेस ऑफ द चार्ज स्फीयर। अब ज़रा अगर हम इसमें वैल्यू देखते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है इज इक्वल्स टू, अब इसको गौर कर, वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट है वो के बराबर होगा क्यू ओवर आर स्क्वायर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम वैल्यू तब होगी, बिल्कुल सेम वैल्यू आई है, किसके लिए, जब हमने पॉइंट चार्ज के लिए निकाला था। तो जब इसका मतलब ये है इस केस में कि जब हमारे पास हम चार्ज स्फीयर की सरफेस के लिहाज से जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो बिल्कुल एज इट इज़ जिस तरह एक पॉइंट चार्ज बिहेव करता है वैसे ही हमारे पास वैल्यू आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो आपके जहन में कोई क्वेश्चन होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।